नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जॉब स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो होने वाली है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड 2020 की। यहाँ पे जो वैकेंसी आई थी और हाल ही में उसकी जो है वो डेट भी ख़त्म हुई है अप्लाई करने की, साथ ही यहाँ पे जो है आपको एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने का वो और एग्ज़ाम डेट, उसके बाद यहाँ पे जो है वह चेंज एग्ज़ाम सेंटर प्रीफ्रेंस लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में आपको इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले आगे बढ़े आप लोग करना इस वीडियो को लाइक करो, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले, और पूरी डिटेल में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्या और किस तरह से आपको ये सारी प्रक्रियाएँ करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल इस वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो जैसा कि पता होगा आप लोगों की हाल ही में जो है इसकी वह 16 फरवरी को ही ख़त्म करी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट जो है 16 फरवरी को ख़त्म हो चुकी है। अब जो है इसकी डेट रखी गई एग्ज़ाम की वह दो डेट में होगी, एक तो आपकी 15 मार्च और एक 16 मार्च। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला जो एग्ज़ाम होगा उनका होगा 15 मार्च को और जो है एक 16 मार्च को जो है यहाँ पे वह रखी गई है एग्ज़ाम डेट 2020 में ही। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम डेट इसकी आ चुकी है 15 मार्च और 16 मार्च, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बता दूँ ये 226 पोस्टों के लिए थी, जो कि फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड गार्ड और गेम वॉचर के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी आई थी। इसकी रिटेन एग्ज़ाम होनी है, आप लोगों को तो पता ही होगा, जिन्हें स्टूडेंटों को नहीं पता है उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अब जो है इसकी जो है मैं बता दूँ कि आप जो है वह अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर अगर चूज किया होगा तो अच्छी बात है, अगर आपको जो है दूसरा अगर एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पे अगर लेना है, दिल्ली में ही इसकी होगी एग्ज़ाम, अगर आपको दूसरा एग्ज़ाम अगर चाहिए है तो आप लोगों को यहाँ पर जो है एक लिंक ओपन करा गया है, तो उसका लिंक का जो है जानकारी मैं आपको दे दूं कि कैसे आपको करना है। अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पासवर्ड भूल गए हैं तो उनकी भी व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगी। चलिए आपको मैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, उस लिंक पे जहाँ से आप जो है इसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मैं उस लिंक पे आ चुका हूँ। आप जो है यहाँ पे यूजर आईडी और यहाँ पे आप जो है पासवर्ड डालिएगा, अगर यहाँ पे आपका अगर करेक्ट जो पासवर्ड होगा तब आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना है, ठीक है, लॉगिन पे जो है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको पासवर्ड याद है तब तो ठीक है, अगर आप जो है अपना पासवर्ड अगर भूल चुके हैं तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पासवर्ड वाले जगह पे जो है वह यूजर नेम आपको यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वह फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको जो है वह फॉरगेट करना है। उसके बाद आपने जो भी जो अप्लाई करते वक्त इस वैकेंसी के लिए जो भी नंबर आपने दिए होंगे उस पर आपको वहाँ पे जो है वह पासवर्ड इसकी OTP के साथ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पे वह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं, तो ये दोनों जो है यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिलती है। उसके बाद जैसे ही जो आपका हो जाएगा सारा प्रक्रिया यहाँ पर, उसके बाद लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आप जो है उस लिंक पर जाके आप वहाँ पर जो है आराम से वह अपना प्रेफरेंस जो है वह चेंज कर सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करनी है। उसके बाद आप बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो आएगा कब। तो जैसे कि पता है 15 और 16 फरवरी मार्च को जो है इसकी एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक इससे जो है वह 7 या 8 डेज़ पहले, यानी कि आपको जो है इसकी जो है वह एडमिट कार्ड मिल जाएगी 5 से लेके जो है वह 7 मार्च के बीच में, ठीक है। दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, 5 से लेके 7 मार्च के बीच में आपको जो है इसकी एडमिट कार्ड की जो है वह लिंक जो एक्टिवेट कर दी जाएगी। मैं उसका भी जानकारी आप लोग को दे दूंगा और उसी बीच आप अपना एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे वह डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग अपना जो है सुविधा के अनुसार, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करें तो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को देनी थी दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना इस यूट्यूब चैनल को मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।